नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर अजय राय की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आप जानते हैं कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इन दिनों यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और लगातार चर्चा में थे। उनकी जो है यात्रा, उसकी तस्वीरें यूपी कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर रही थी। इसी बीच एक वीडियो उनका जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जो कि यूपी बीजेपी ने शेयर किया। यूपी बीजेपी इस वीडियो को शेयर कर लिखती है, कांग्रेस की यही पहचान, कार्यकर्ता की बेइज्जती, जनता का अपमान। देश को सालों लूटने वाले कांग्रेसियों का एक और नया कारनामा सामने आया है। राहुल प्रियंका के नक्शे कदम पर चलते हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी पार्टी कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे यह भी साफ झलकता है कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती, वो क्या जनता का ध्यान रखेगी। कुछ तो शर्म करो कांग्रेसियों। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी ने अब जो है सोशल मीडिया पर विपक्षियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार जो है इस तरह के वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि अजय राय जहां यूपी जोड़ों में भाग रहे हैं, आगे जो है उनके कार्यकर्ता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जो कार्यकर्ता बीच में सड़क में आ रहा है, उन्हें जो है हटाया जा रहा है, धकेला जा रहा है कि किनारे हटो भाई, अजय राय जी आ रहे हैं। अब इसी वीडियो को लेकर यूपी बीजेपी ने निशाना साधा है कांग्रेसियों पर, और लगातार इसको लेकर जो है चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा के बारे में और जानकारी देते हुए खुद अजय राय ने भी इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा, नमस्कार भाइयों, हम सब लोग यूपी जोड़ो यात्रा लेकर अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ पहुंच गए हैं। कल यात्रा का समापन है। आज थोड़ा मौसम विपरीत था, बरसात हो रही थी, फिर भी यात्रा रुकी नहीं। उस बरसात में भी हम सब, हमारे एक एक साथी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे एक एक यात्रियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसमें महिलाओं ने विशेष बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग लिया। हमारे एक एक साथी बुजुर्गगण सभी लोगों ने साथ दिया। मैं यही आप लोगों से आग्रह अनुरोध करूँगा, विपरीत परिस्थितियों में भी यात्रा आगे भी चलती रहे। कल समापन में भी अगर बरसात भी होगी या विपरीत परिस्थितियां रहेंगी कल मौसम की, फिर भी यात्रा पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने जोश खरोश के साथ अंजाम तक पहुंचेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ यात्रा में शामिल हों, यात्रा के समापन में भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई थी, जिसके बाद आज यानी 16वें दिन ये यात्रा राजधानी लखनऊ में समाप्त होगी। राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक पर खत्म होने वाली आज यूपी जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के हिस्सा लेने की बात सामने आई थी। इसी यात्रा में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी अवनीश पांडे पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, और कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव में खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ यूपी कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि जनता से ज्यादा जो है कनेक्ट हो पाए, जो कि रिजल्ट 2024 के चुनाव में नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने घेरना अब सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं आप इस वीडियो को, और ये चर्चा काफी तेजी से हो रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भाई, इसके अलावा जो खबर है वो जुड़ी है यूपीएसआरटीसी से। भाई, यहाँ की बसें जो है वो वर्ल्ड क्लास बसें हैं। अब देखना, अगर आपको एग्जांपल है तो देखिए जरा इस बस को। ये बस जो है, आप सोचिए, अगर आप ठंडी में भी अगर आपको ठंड महसूस ना हो रही तो इस बस में आके बैठ जाइए, शिमला जैसी ठंड जो है वो आपको जरूर महसूस करा देगी। इस वीडियो को शेयर कर अखिलेश यादव लिखते हैं कि यह है भाजपा सरकार में विकसित भारत की बिना शीशे लगी बस सेवा। एक तो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं वैसे ही ठप हैं, ऊपर से सवारियों को बीमार करने वाली सर्द हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की ठिठुरती सवारियां भाजपाइयों से पूछ रही है, क्या लखनऊ बहराइच की गाड़ी वाया शिमला नैनीताल जाने लगी है? डबल इंजन की जगह डबल शीशा ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बस जो है, बस के सामने का शीशा नहीं है, और हवाएं जो है तेज चल रही है, रफ्तार भी बस की जो है काफी तेज है, अंदर बैठे लोग जो है ठिठुरते हुए हवा भी खा रहे हैं। इसी वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने
यूपीएसआरटीसी को निशाने पर लिया, सरकार को निशाने पर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा और भी लोग इस पर लिखते दिखे कि सर्द हवाओं के बीच अगर आप भी शानदार लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको यूपी की सरकारी बसों में यात्रा करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। देखिए आगे का शीशा गायब है लेकिन रफ्तार में कोई कमी नहीं है। सफर के दौरान शिमला नैनीताल वाली फीलिंग की गारंटी है। अब जब सोशल मीडिया पर इस तरह के लगातार कमेंट्स आने लगे और सरकार को घेरा गया तो फौरन जो है यूपीएसआरटीसी के हेडक्वार्टर से भी पोस्ट किया गया। लिखा गया कि इस प्रकरण के संबंध में संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित कर दिया गया है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। अब लखनऊ से बहराइच जा रहे इस हवाई बस का भले ही लोग जो है सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हो लेकिन यहाँ पर एक और चिंतन की बात यह है कि इस प्रकार की बसें, इस तरह की सेवाएं हैं और यूपीएसआरटीसी का ध्यान तब जाता है जब इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो भैया सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।